अपना चैनल। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। वो 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में पैदा हुए। वो एक जमींदार घराने के चश्मोशराग थे। साहिर कॉलेज के जमाने में ही अपनी बागियाना और इनकलाबी नज़मों की वजह से मकबूल हो चुके थे। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ तो 15 साल का नौजवान साहिर बेहद मुतासिर हुआ। उस वक्त उसकी शायरी का आगाज हो चुका था। फिराक, फैज, जोश, मखदूम मोहिद्दीन, जानिसार अख्तर, मजाज, मजरू सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और कैफी आजमी जैसे तरक्की पसंद शायरों में सबसे कम उम्र साहिर थे, लेकिन साहिर की मकबूलियत अपने तमाम हमअसरों में सबसे ज्यादा थी। साहिर का पहला मजमुआ तलखियां शाया हुआ तो हर तरफ उसकी धूम थी। उस मजमुए के 10 से ज्यादा एडिशन चंद बरसों में फरोख्त हो गए। उनकी तवील नज्म परछाइयां शाया हुई तो उसे भी हर खास आवाम ने पसंद किया। साहिर की मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की जमानत हुआ करता था। तो साहिर के नगमे फिल्मों की कामयाबी की जमानत हुआ करते थे। साहिर 25 अक्टूबर 1980 को इस दुनिया से ये कहते हुए चल बसे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपका मेज़बान शफी अय्यूब और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की खसूसी पेशकश शेर व सुखन। शेर व सुखन में हम लेकर आते हैं आपके लिए शायरी की बातें, शायरों की बातें। हम शायरों का कलाम भी सुनते हैं, शायर के फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू भी करते हैं। डीडी उर्दू के इस खसूसी पेशकश शेर व सुखन में आज हम गुफ्तगू करेंगे मकबूल तरीन तरक्की पसंद शायर और मशहूर फिल्मी नगमा निगार साहिर लुधियानवी की। अब्दुल हई की पहचान मिट गई और साहिर अमर हो गए। साहिर लुधियानवी की जिंदगी और उनके फ़न के कई पहलू हैं। साहिर लुधियानवी फिल्मों के कामयाब और मकबूल तरीन नगमा निगार थे, एक ऐसे फिल्मी नगमा निगार जिनको एक नहीं दो फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार ने उनकी खिदमात को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा, उनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया गया। और ये भी सच है कि बात तलखियाँ की हो या परछाइयाँ की या आओ की कोई ख्वाब बुने, 10-12 नहीं अगर 100 और 50 एडिशन शेरी मजमुओं के फरोख्त हुए हों तो उस शायर का नाम साहिर लुधियानवी है। साहिर लुधियानवी साहब जिस ज़माने में फिल्मों में लिखने आए, बम्बई आए, जाहिर है उनके नाम के साथ लुधियानवी लगा है तो उनका ताल्लुक लुधियाने से था। और वो जागीरदार घराने में उन्होंने आँख खोली, लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहे। माँ और बाप अलग अलग उनके थे और वो माँ के साथ रहे। एक लंबा प्रोसेस है। मेरा मानना ये है कि जब खुदा किसी को बड़ा शायर बनाना चाहता है या बड़ा फ़नकार किसी भी शोबे का, किसी भी फ़न का बड़ा फ़नकार बनाना चाहता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजारता है, एक भट्टी में तपाता है ज़िंदगी की, फिर उसके बाद वो निखर के आता है। साहिर साहब के साथ भी यही हुआ। जब वो बॉम्बे में आए, वो बड़ा ही सुनहरा दौर था। वो जिस ज़माने में साहिर साहब लिख रहे थे, कैफी आज़मी साहब लिख रहे थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब लिख रहे थे, शैलेंद्र लिख रहे थे, यहाँ तक कि हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, ये सब के सब बहुत ही अच्छा काम करके गए हैं और आज हम उनके काम पर फख्र भी करते हैं, सीखते भी हैं। लेकिन
इन सब में साहिर लुधियानवी सबसे मुख्तलिफ थे, सबसे अलग थे। अब वैसे सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियत है कि सब अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन साहिर लुधियानवी ने कुछ ऐसे गाने लिखे हैं जो उनको बहुत ही मुख्तलिफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर के चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये जो थॉट है, ये जो ख़्याल है, ये मैं समझता हूँ कि पहली बार लिखा गया था। और ये कहना अपने दोस्त से या अपने महबूब से कि यार अब हमारी नहीं बन रही है तो चलो अलग हो जाते हैं और अजनबी हो जाते हैं जैसे हम पहले थे, इस बात को इतने अच्छे अंदाज से, इतने नए अंदाज से पहली बार साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था। और अदब सिर्फ अदब ही नहीं, पूरे मतलब जो गाने के जो शौकीन हैं, जो गाने सुनते हैं, उन सब को चौंकाया था। और इस तरह के बहुत बहुत उनके गाने हैं जो मैं मिसाल दे सकता हूँ, जैसे ताजमहल। ताजमहल पर जितनी भी नज़में लिखी गईं, जितने भी गीत लिखे गए, गज़लें लिखी गईं, उस सब में ताजमहल की सिर्फ तारीफ की गई है। साहिर लुधियानवी ने ये जो ताजमहल की जो तारीफ़ का जो एक पैटर्न था उसको भी उन्होंने तोड़ा और उसके बरक्स उन्होंने गाना लिखा कि मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। साहिर ये भी कहते हैं, मोहब्बत तर्क की मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबां सी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबां सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो ये जहर भी पी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो ये जहर भी पी लिया मैंने। सच बात यह है कि साहिर ने बहुत जहर पिया था, उसके बाद कलाम में वो रंगीनी भी आई, कलाम में वो शोखी भी आई और कलाम में वो जाज़बियत भी आई जो दिलों को गर्माती है। आइए साहिर का ये खूबसूरत कलाम खूबसूरत मौसीकी के साथ सुनते हैं। सनी धनी धनी धम धम गम दा सा नि धनी धम गरे गम बम गम गरे सा, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबा सी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबा सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो जहर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबा सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो जहर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने गिरेबा सी लिया मैंने। मगर इतना भी क्या कम है, क्या कम है, गम धा सा नि धम ग नि धम ग ग ग सा ग ग ग म ग रे ग म ग रे सा ग रे नि 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 धा नि सा नि धा नि धा नि धा नि धा ग म ग सा ग म धा नि सा नि धा नि धा म ग म धा नि सा नि धा नि धा म ग म धा म ग म धा म ग म धा प। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने, कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो जहरी भी पी लिया मैंने,
मदा सानी रे नि धमागा सगा गमा मदा धनी सनी धनी धमा धमा गमा धनी सनी धमा गनवा धनी दा गमा धनी दा गमा धनी दा बस अब तो दामने दिल छोड़ दो बेकार उम्मीदों बस अब तो दामने दिल छोड़ दो बेकार उम्मीदों बहुत दुख सह लिए मैंने बहुत दुख सह लिए मैंने बहुत दिन जी लिया मैंने बहुत दुख सह लिए मैंने बहुत दिन जी लिया मैंने जमाने अब तो खुश हो जहरी पी लिया मैंने मोहब्बत तरकी की मैंने गिरे जब कभी साहिर लुधियानवी का जिक्र आता है तो बात उनकी गज़लों की हो या उनकी नज़मों की या उनके गीतों की, साहिर के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि क्या साहिर लुधियानवी की शायरी हमेशा बाकी रहने वाली शायरी है या सिर्फ ये शायरी नौजवानों के काम की शायरी है। उनके हमसरों ने उन पे इल्ज़ाम आयद किया कि साहिर की शायरी नौजवानों के लिए है, लेकिन मामला यह है कि जब जो शायर ये कहे कि चंद कलियां निशात के चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ, चंद कलियां निशात के चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। शायर बजाते खुद तखल्लुस से मालूम पड़ता है कि शायर के माने मसूर कर देने वाला, किसी को किसी चीज़ में गुम कर देने वाला। और मुझे अपने ज़माने शुरू से शायर की शायरी बहुत पसंद रही है। अब्दुल हई उनका नाम था, ज़मींदार ख़ानदान के बैकग्राउंड से आए थे और वहाँ जो हालात थे उस हालात का असर उनकी ज़िंदगी पर रहा, घर के मामलात में, वालिद साहब की शादी वगैरह के मामलात में और जो चीज़ें थी उनसे। और जाहिर है कि तलखियाँ जब हाथ में आई तो तलखियाँ का टाइटल ही इस बात के निशानदेही करता है कि तलख के माने आप हमसे बेहतर जानते होंगे। और दूसरी बात यह कि पहला शेर जो उनका उस तलखियों पर है कि वो दुनिया ने हवादिस तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। ज़ाहिर है शायर की ज़िंदगी में जो कुछ उसके तजर्बात और हादसा होते हैं वो शेर में आते हैं। फना कानपुरी का मशहूर शेर है कि वो शायर के लिए कि खुद शायर की ज़िंदगी अशार में ढल जाए, तो ज़िंदगी शायर की जब अशार में ढलती है तो ही आता। फिर उनका दूसरा वो चार किताब शेर जो है वो कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों में महवयास रहता हूँ। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। अभी मिलकर उदासी छः माने दारत, ये तख़य्युल की दुनिया दूसरी है। उसके साथ साथ शायर क्या रुमानियत भी है, शायर क्या हालात हाजरा पे तबसरा भी है, शायर क्या उस निज़ाम से बगावत भी है जो उस ज़माने में मामलात में रही है। अब मिसाल के तौर पे समाज में एक आम बात थी कि साहब अगर शादी कहीं मोहब्बत की हो रही है तो उसमें उस ज़माने के हिसाब से ख़ानदान का मामला, इज़्ज़त का मामला, कि उस ज़माने में जो मादियत की तरफ लोग जा रहे थे जहाँ मोहब्बत का फुकदान नज़र आ रहा है। उसके बाद उनका एक आश्चर्य और ये भी था इस मामले में कि तुम्हें हिम्मत है दुनिया से बगावत कर दो वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। व्हाट इज़ दिस मैसेज, क्या मैसेज है? पूरी अक्कासी कर रहा ज़माने की। और मैं आपको एक बताऊँ बात तारीख के तालिबे इल्म की हैसियत से कि जब भी आप किसी को स्टडी करें, किसी पर्सनैलिटी को या तारीख के पिछले हिस्सों को, तो आपको अपने आप को उस ज़माने में ले जाना पड़ेगा, तब आपको पूरी हकीकत सामने आएगी। यही मामला है शायरों के साथ है। शायर की ज़िंदगी में जब आप झांकेंगे तब आपको मामला समझ में आएंगे। उनका मोहब्बत में नाकामी, अब जाहिर है कि वो ये चीज़ें कैसी कर रही हैं कि मेरे बदले सो चमकती कार दिखला दे। अब इन चीज़ों पर शायर की नज़र थी। और फिर ये कि वो समाज में सुधार कहाँ है, सनाखान तकदीस मशरक़ कहाँ है। वो शायर लम्हाती शायर नहीं हो सकता है, वो शायर चंद लम्हों में ख़त्म हो जाने वाला शायर नहीं हो सकता है। उस शायरी में जो जान है, उस शायरी में
जो पैगाम है वो उसे साहिर को बाकी रखने के लिए काफी है। साहिर लुधियानवी को आम तौर पे फिल्मी नगमा निगार कह के उनकी अदबी शायरी को पसे पुश डालने का काम किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि साहिर आज भी दिलों को गर्माते हैं। साहिर की नज़में या साहिर की गज़लें हमारे रास्ता दिखाती हैं। साहिर के कलाम में जो तलखी है वो भी उनकी ज़िंदगी से, समाज से लेकर उन्होंने शेर के पैराए में ढाला है। कहते हैं कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। मौजूआत को जो देखने का एक नज़रिया था साहिर लुधियानवी का, वो बहुत मुख्तलिफ था, और यही सब चीज़ें साहिर लुधियानवी को इन तमाम गीतकारों के बीच में
ज़्यादा अहम और ज़्यादा मुख्तलिफ बनाती हैं। और यही वजह है कि आज के ज़माने में भी साहिर लुधियानवी को बतौर हीरो जो नए लिखने वाले हैं बतौर हीरो लेते हैं, मतलब साहिर लुधियानवी पर रश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन साहिर लुधियानवी इन सब में इसलिए भी सबसे अहम है और सबसे अलग है। उनका जो अदब का काम है, ये लोग खुशनसीब थे। मैंने कहा वो ऐसा दौर था शायरी का कि इन्होंने जो अदब के लिए लिखा वो भी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उनकी नज़में जो पहले से लिखी हुई थी वो फिल्मों में आ गईं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। खय्याम साहब के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, उनके घर पे सीटिंग चल रही थी। जब सीटिंग पूरी हो गई, हम एक कव्वाली पे काम कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कई वाकयात अपनी ज़िंदगी के बताए फिल्म से जुड़े हुए। उसमें उन्होंने साहिर साहब के ताल्लुक से एक बात बताई मुझे, कहने लगे कि कैफी आज़मी साहब के साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा था और मेरी पहली फ़िल्म थी, और कैफी साहब के घर पे हमारी सेटिंग चल रही थी। इसी दरमियान साहिर साहब और जानेसार अख्तर साहब घूमते फिरते वहाँ आ गए, और खय्याम साहब साहिर साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब इस्मत आपा ने साहिर साहब से खय्याम साहब को मिलवाया कि साहिर ये खय्याम है और बड़ा नौजवान कंपोज़र है और बहुत अच्छा कंपोज़र है, मेरी फ़िल्म कर रहा है, खय्याम साहब की पहली फ़िल्म थी शायद वो, तो साहिर साहब को देख के वो इतना खुश हुए। पहली बार उनको इतने करीब से देखा था खय्याम साहब ने, तो खय्याम साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि साहिर साहब आपकी जो किताब है परछाइयाँ, वो मुझे पूरी याद है, और सिर्फ याद नहीं है, मैंने पूरी कंपोज की हुई है। सिर्फ साहिर नहीं बल्कि कई और शुरा को ये शिकायत रही है कि जो गीत उन्होंने अपनों के लिए लिखे, अपने लिए लिखे, उन्हें बाज़ार में लाना पड़ा। साहिर भी कहते हैं कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाज़ार में ले आया हूँ, आज उन गीतों को बाज़ार में ले आया हूँ। आइए साहिर की खूबसूरत नज़्म, खूबसूरत मौसीकी और तरन्नुम के साथ सुनते हैं। खुसूसी तौर पे इसे मौसीकी से सजाया है डीडी उर्दू। मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ, जो तेरे जात से मनसूब थे उन गीतों को, जो तेरे जात से मनसूब थे उन गीतों को, मुफली से जिंस बनाने पे उतर आए हैं, भूख तेरे रुख रंगी फसानों की आवाज, भूख तेरे रुख रंगी फसानों की आवाज, चंद अशियाए जरूरत की तमन्नाई है। मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। मैंने जो अर्ज गए मेहनतों सरमाया, देख इस अर्ज गए
मेहनत तो सरमाया, मेरे नगमे भी मेरे पास नहीं रह सकते। तेरे जल में किसी जरदार की मेरा वास नहीं, तेरे जल में किसी मेरा तेरे जल में किसी जरदार की मेरा से नहीं, तेरे खाके भी मेरे पास नहीं रह सकते। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आजूं बाजार में ले आया, मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे थे फिल्मों के मकबूल नगमा निगार और मशहूर तरक्की पसंद शायर साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी पे हमने गुफ्तगू की उनकी शायरी के हवाले से, उनकी फिल्मी नगमा निगारी के हवाले से और उनके ज़िंदगी के हालात पे भी रोशनी डाली गई। उनका कलाम खूबसूरत मौसीक़ी के साथ आपने सुना, उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। शुक्रिया। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक